जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? ठीक है आप? कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वाघा बॉर्डर के हवाले से। पुरानी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। उसमें मैंने एक पैगाम भी दिया था कि साइलेंस द गन्स, लेट्स हेयर द क्लैपिंग लाइक वी हेयर इट एट वाघा बॉर्डर। उससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि हमें अमन के साथ रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, चाहे पॉलिटिशियंस या हमारी फौज कुछ भी करे, हमें एज पीपल हमें प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। मैं अभी भी इस बात पे यकीन करता हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में मैंने क्या कहना है। मैं वॉलपेपर लगा रहा था घर में, तो तब मेरे जहन में ख्याल आया पाकिस्तानी सेलेब्रिटीज़ के बारे में। सारे नहीं, कुछ पाकिस्तानी सेलेब्रिटीज़, आई विल नॉट मेंशन एनी नेम्स, क्योंकि समटाइम्स यू मिस इंटरप्रेट समवन, सो मे बी दे डिडन्ट मीन इट लाइक दिस, सो उनका नाम मेंशन करना फ़ायदा नहीं है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी को फिंगर पॉइंट नहीं करना चाहता। आई डोंट थिंक दैट वुड बी फेयर। सच पूछे तो कल रात को मैंने काफ़ी फेसबुक पे मैसेजिंग की। किसके खिलाफ? मैंने मैसेजिंग की प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ, जिसने जय हिंद कहा। तो और मैंने कहा कि यार शी इज़ गुडविल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ, तो अपने सोल्जर्स को जो है ना वो सपोर्ट कर रही है। लेकिन आज सुबह मैंने सोचा यार वो कोई गलत काम नहीं कर रही है। शी इज एन इंडियन, शी इज एन इंडियन, शी इज सपोर्टिंग हर आर्मी, एंड दैट्स व्हाट यू शुड डू, दैट्स व्हाट यू शुड डू इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, जो कि दोनों मुल्कों के लिए डिफिकल्ट वक्त है। और हमारे जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं, दे आर वेरी वियर्ड। वो बात करते हैं कि अमन हो, जंग को भूल जाओ, जंग की बात ना करो, प्यार मोहब्बत की बात करो, एंड आई स्टैंड बिहाइंड देम ऑन दिस। मैं खुद सिर्फ अमन की बात करता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि किसी तरफ से भी गोली ना चले। गोली गोली होती है, बंदूक बंदूक होती है, चाहे कोई भी चलाए, चाहे दहशतगर्द चलाए, चाहे आर्मी चलाए, चाहे सिविलियन चलाए, उसका इफेक्ट एक ही होता है। अगर गोली लग जाए तो बंदा अक्सर मर जाता है। सो इट डजेंट मैटर वेदर इट्स आतंकवाद, वेदर इट्स मिलिट्री, वेदर इट्स अ सिविलियन हु यूजेस द गन। सो मैं ये सोच रहा था कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, दे आर काइंड ऑफ वेरी हिपोक्रेट। वो बात करते हैं पीस की, मैं भी बात करता हूं पीस की, लेकिन बुलंद आवाज से उनके गट्स नहीं है। पता नहीं इनको मौत आती है, क्या होता है कि वो ओपनली, बल्कि करते ही नहीं है। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ काफी हमारे एक्टर्स हैं पाकिस्तानी जो कि हमारी ट्रूप्स को सपोर्ट नहीं करते। आई सपोर्ट माई ट्रूप्स इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, एंड सो शुड इंडियंस सपोर्ट देयर ट्रूप इन दिस डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया। और हर मुल्क को और हर मुल्क के अफराद को यही करना चाहिए कि मुश्किल वक्त में अपनी ट्रूप्स को सपोर्ट करना चाहिए। डज इट मीन वेन यू सपोर्ट योर ट्रूप्स दैट यू शुड स्टॉप एडवोकेटिंग और फाइटिंग फॉर पीस? नो, इट कैन गो हैंड इन हैंड। लेकिन हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको मौत आती है, उनको मौत आती है कि ओ हो फौज को सपोर्ट ना करो, सिर्फ पीस की बात करो। अरे भाई व्हाई, आप इतने केयरफुल क्यों हैं? ऑनेस्टली गाइस, इंडियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेलिब्रिटीज।
मैं सच कह रहा हूं, यू शुड, आई एम जेलस ऑफ योर सेलिब्रिटीज, आई एम जेलस ऑफ योर सेलिब्रिटीज एंड आई एम अशेम्ड ऑफ माय सेलिब्रिटीज एंड सम ऑफ आवर न्यूज़पेपर्स एंड सम ऑफ आवर एंकर्स. मैं नाम नहीं लूंगा, अगेन उसका कोई फायदा नहीं है नाम लेने का, लेकिन आप सब लोग समझदार हो, समझ गए हो, ठीक है ना? क्योंकि इस मुश्किल वक्त में आप अपनी फौज को सपोर्ट कर रहे हो. डज इट मीन यू शुड बी अनफेयर, यू शुड बी टोटली सब्जेक्टिव? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं खुद भी टोटली सब्जेक्टिव नहीं हूं. मैं ये चाहता हूं कि हम सब प्यार मोहब्बत से रहें. मैं चाहता हूं कि आज के बजाय बल्कि कल जंग खत्म हो जाए, यस्टरडे, क्योंकि आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी की किरण नहीं है आगे. इमरान खान ने ठीक कहा था, आज तक जंग ने किसी को फायदा नहीं पहुंचाया. सो ये मैंने आपको कहना था. बाकी इट्स माय ओपिनियन. वंस अगेन आई होप कि कॉमन सेंस दोनों मुल्कों में प्रिवेल करे और हम अमन के रास्ते पे चले, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, अपनी फौज अपने लोगों से भी प्यार करें, उसके बाद दूसरों से भी प्यार करें. यह नहीं कि हम सिर्फ अपने लोगों से प्यार करें, दूसरों से नफरत करें. नफरत करनी ही नहीं चाहिए. आई डोंट थिंक वी शुड हेट. कुछ लोग कहते हैं कि आई हेट दिस, आई हेट दैट. मैं कहता हूं यार, डिसलाइक कर लो, नफरत तो मत करो. यू कैन डिसलाइक समथिंग बट डोंट हेट इट. हेट तो बहुत बड़ा लफ्ज है. सो वंस अगेन लव एंड पीस टू ऑल ऑफ यू. दिस इज माई ओपिनियन. अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आई रिस्पेक्ट दैट. लेट मी नो वट इज योर ओपिनियन एंड इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी. और मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो अपलोड करूंगा. ये आई होप यू लाइक दिस वीडियो एज वेल. टेक केयर.